लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सदस्यता अभियान का करेंगे आगाज। सीएम योगी ने किया भव्य स्वागत। टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से हटाई जा रही बैरिकेटिंग, जल्द रास्ता खुलने की उम्मीद। रास्ते बंद होने से लोगों को हो रही थी परेशानी। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार, कोरोना से बड़ा मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 805 लोगों की गई जान। अमेठी में खेत की जुताई को लेकर दो पक्षों में मारपीट, महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल, 4 घायलों की हालत नाजुक। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां पर अब अमित शाह विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान में शाह अवध क्षेत्र के शक्ति प्रभारियों और संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र देंगे। साथ ही प्रदेश में बीजेपी के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित चुनाव सह प्रभारी और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं एयरपोर्ट की, अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से अब आज वो सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। इसीलिए लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी का दौरा कर चुके हैं और ऐसे में अब आज अमित शाह यूपी के दौरे पर पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को बीजेपी से जोड़ने की शुरुआत की जाएगी, काम किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें आज कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित चुनाव सह प्रभारी और संगठन प्रभारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो लखनऊ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, आज सीएम योगी ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और कार्यक्रम रखा गया है। मिशन 2022 का आगाज हो चुका है। लगातार आपको बता दें बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, इसीलिए यूपी का दौरा लगातार किया जा रहा है और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत भी होने जा रही है। आपको बता दें अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं, इसीलिए सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे, जिससे करीब 1.5 करोड़ लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम सीधे तौर पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत चुनाव सह प्रभारी और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में आपको बता दें जीत का मंत्र अमित शाह यहां पर देंगे। साथ ही बीजेपी में प्रदेश में बीजेपी के 4 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की जा रही है आज से, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं, कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है? देखिए बिल्कुल बता दूं, लखनऊ अमित शाह लखनऊ पहुंचे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं ने भी स्वागत किया है। पतंजलि सिंह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं अमित शाह के स्वागत के लिए। अभी अमित शाह यहां पर से सीधे निकलेंगे थोड़ी देर के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जहाँ पर वो कार्यकर्ताओं का अभियान शुरू करेंगे, जहाँ पर वो सदस्यता अभियान शुरू करेंगे आज, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस रही हैं कि भाजपा इससे पीछे रहने वाली नहीं है। इसलिए अमित शाह के दौरे को देखते हुए यहाँ पर बूथ सदस्यता अभियान चलेगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान चलेगा, जो अमित शाह के
के द्वारा ही उद्घाटन होगा जिसका। बिल्कुल दानिश, और प्रभारियों संयोजकों को बूथ जीत का मंत्र भी अमित शाह देंगे और ऐसे में सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम यहां पर किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर अब बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि 2022 अब बेहद नजदीक है और लगातार जिस तरह से और पार्टियों की तरफ से चीजें की जा रही है बीजेपी भी उसी स्तर पर उसी तरह से आगे बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह के दौरे को लेकर के भाजपा काफी ज्यादा उत्साहित दिख रही है क्योंकि जब जब अमित शाह लखनऊ आते हैं तो कोई ना कोई कार्यक्रम और सौगात लेकर जाते हैं और अमित शाह को चालक माना जाता है इसके लिए भाजपा में कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव नजदीक आ रहा है तो अमित शाह के दौरे से जो भाजपा कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन चलेगा जो सदस्यता अभियान चलेगा वो अमित शाह के द्वारा ही उद्घाटन करने के लिए इसलिए भाजपा मान्यता दे रही है कि भाजपा में अमित शाह की चालक नीति से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अभी अमित शाह इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे जहां पर वो दिशा निर्देश देंगे जो मंत्रियों को कार्यकर्ताओं को अपने सदस्यों को प्रवक्ताओं को कि उनको किस तरीके से राजनीति में चुनाव में कहां तक भाजपा का प्रचार अभियान करना है और भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से विकास कराए हैं इस चीज को भी लेकर भी अमित शाह निर्देश दे सकते हैं। चलिए दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं, ऐसे में एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें आज कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया जाएगा और ऐसे में 1.5 करोड़ करीब लोगों को जोड़ने का काम यहां पर किया जाएगा क्योंकि अब मिशन 2022 का आगाज हो चुका है, इसीलिए बड़े बड़े नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेडिंग हटानी शुरू कर दी है। इन दोनों ही बॉर्डर का एक तरफ का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि रास्ता बंद होने की वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था जिसके बाद किसानों ने कहा था कि रास्ता उन्होंने बंद किया ही नहीं है, दिल्ली पुलिस ने किया है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि रास्ता खोलने के ये पुलिस भी तैयार है लेकिन किसान इस बात का वादा करें कि किसी प्रकार की कोई भी अराजकता नहीं होगी। फिलहाल जब तक पुलिस और किसानों के बीच पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता तब तक रास्ता बंद ही रहेगा। तो ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप गाजीपुर बॉर्डर की और टिकरी बॉर्डर की जहां पर सुबह से ही बैरिकेडिंग हटाने का काम किया जा रहा है यानी कि अब रास्ता खोलने की पूरी तैयारी की जा रही है। बीते 11 महीने से किसान इन्हीं दो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं कृषि कानूनों के विरोध में और इसीलिए अब एक बार फिर जब लोगों को परेशानी हो रही थी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया था कि रास्ता बंद होने की वजह से आवाजाही में लोगों को तमाम परेशानी हो रही है जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस से ये बैरिकेडिंग हटाना सुबह से ही शुरू कर दिया है। तो गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और जिस तरह से रास्ता बंद किया गया था वो रास्ता खोलने की तैयारी की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक पूरी तरह से रास्ता खुल जाएगा और वहां पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली के बॉर्डरों से दिल्ली पुलिस बैरिकेड हटा रही है। पूरे देश की जनता को आज ये पता लग गया कि सड़कें किसने रोकी थी और बैरिकेड कौन हटा रहा है। पिछले 11 महीने से जबरदस्ती किसानों को सड़कों के ऊपर रोका गया था, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए गए थे, नुकीले तार लगाए गए थे, लोहे की कीले गाड़ी गई थी। आज दिल्ली पुलिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनको हटा रही है। जो ऊपर का रोड था दिल्ली की तरफ को जाने वाला वो आज दिल्ली पुलिस खोल रही है आपके सामने है। 11 महीने से ये रोड बंद किया हुआ है 26 जनवरी के बाद सॉरी। और किसान अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना देगा देता आ रहा है, किसान को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ से। दिल्ली पुलिस रास्ता खोले, ठीक है साहब ने नीचे भी कहा था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने याचिकाकर्ता ने और इनके वकील ने कहा कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो हमने कह दिया दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ है, वो हमने लिखा भी था बैरिकेटिंग पे टिकेट साहब ने खुद।
चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां पर, और क्या बैरिगेटिंग पूरी तरह से हटा दी गई है? बिल्कुल, देखें, बैरिगेटिंग हटाने का काम अभी चल रहा है। दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरह से बैरिगेटिंग हटा रही है। इस वक्त मैं NH9 पर मौजूद हूं। तस्वीरें भी आप देखेंगे किस तरह से जो है बैरिगेटिंग हटाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें मंगाई गई हैं और ये लगातार जो है बैरिगेटिंग हटाने का काम कर रही है। और बैरिगेटिंग हटाने में समय लगेगा क्योंकि लगातार काम चल रहा है और 7 लेयरों में ये बैरिगेटिंग की गई थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं इसमें अभी समय लग रहा है, लगातार जो है बैरिगेटिंग हटाई जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक बैरिगेटिंग हटा दी जाएगी और कब पूरी तरह से सड़क लोगों के लिए खोल दी जाएगी ताकि वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सके? देखिए, वाहनों की आवाजाही को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो बैरिगेटिंग की बात है लगभग 2 से 3 घंटे में पूरी बैरिगेटिंग हटाने की बात कही जा रही है जिसको लेकर लगातार काम चल रहा है। मैं एक बार फिर आपसे तस्वीर दिखा देता हूं। आप तस्वीरें देखेंगे किस तरह से जो यहां पर है भारी भरकम क्रेनें मंगाई गई हैं जो लगातार सीमेंटेड बैरिगेट यहां से हटा रहे हैं और लगातार काम चल रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे इसको हटाने में लग जाएंगे और उसके बाद ट्रैफिक को लेकर जो है नई अपडेट्स आएंगी, वो जल्द से जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, अब देखिए किसानों की वजह से बीते कई महीनों से ये रास्ता बंद था। 26 जनवरी के बाद से इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। किसान अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो क्या जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर का रास्ता खोला जा रहा है, टिकरी बॉर्डर का रास्ता खोला जा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन अब अंत होने आया है इसका? देखिए, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जैसे किसान नेताओं से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि हमारा जो आंदोलन है इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अब जो है हमें दिल्ली जाने का रास्ता मिल जाएगा, हमें पार्लियामेंट जाने का रास्ता मिल जाएगा और अब आगे का हमारा जो आंदोलन होगा वहीं पर हो सकता है। लेकिन इसको लेकर एक पूरी तरह से जो कठोर कदम है उसके लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार किसान पुलिस प्रशासन की तरफ से ये रास्ता इसलिए बंद किया गया था कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सकें, दिल्ली ना जा सकें, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने ये रास्ता पूरी तरह से खोल दिया है, तो यानी कि किसानों को साफ रास्ता मिल जाएगा ताकि वो दिल्ली जा सके। और ऐसे में राकेश टिकैत ने भी आज कहा है कि अब हम संसद में जाकर फसल बेचेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आज की अगर बात की जाए तो इस वक्त धान का जो है मौसम चल रहा है उसी को लेकर उनका ये कहना है कि अगर रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाएगा तो हम भी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली संसद में हम धान बेचेंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को पहुंचाने के लिए। लगातार नज़र आप बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से रास्ता खोलने का काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार क्रेनें जो हैं बैरिगेटिंग हटा रही हैं और 3 से 4 घंटे के अंदर ये रास्ता पूरी तरह से खुल जाएगा। हालाँकि वाहनों की आवाजाही कब से होगी इसको लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लगातार जहाँ पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने रास्ता नहीं बंद किया, पुलिस की तरफ से रास्ता बंद किया गया है, तो अब एक बार फिर अब पुलिस ने ही आगे आकर इस रास्ते को खोलने पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 देशों के 5 दिनों के दौरे की शुरुआत इटली से हो रही है। आज पीएम मोदी G20 देशों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक 20 देशों की होनी है लेकिन इसका संबंध दुनिया के 200 से ज्यादा देशों से है, जबकि सबकी नजर भारत पर होगी। बड़ी बात यह है कि 12 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इटली की धरती पर कदम रखा है। इस मौके पर पहली बार इटली के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की आमने सामने मुलाकात होगी और इसके बाद पीएम मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में वायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले की साझा रणनीति पर होने वाले COP26 महामंथन में भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच चुके हैं। 5 दिनों की विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं और G20 देशों की बैठक में भारत का दम देखने को मिलेगा।
बदमाशों की तरफ से तमंचे के बल पर बीते दिनों हुए ट्रक लूट का एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में खुलासा करते हुए बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कीमत के माल से भरे रमन रोडवेज ट्रांसपोर्ट के ट्रक ड्राइवर को पतंजलि योगपीठ के पास नेशनल हाईवे पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता मनीष रमन रोडवेज ट्रांसपोर्ट सिडकुल हरिद्वार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद चलते घटना के खुलासे के लिए थाना बहादुराबाद थाना श्यामपुर CIU हरिद्वार की टीम की तरफ से मामले की तफ्तीश शुरू की गई, जिसके चलते मुखबिर की सूचना पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के लूटे गए माल से भरे ट्रक के साथ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया गया है। इनमें से एक प्रकरण तो थाना पथरी से संबंधित है, जहां पर कि अभी जो दिन बीता है इसकी रात को एक अज्ञात शव मिला था, जिसके बाद में पहचान उसी गांव के एकड़पुर के इस्तकार के रूप में हुई थी। इसके शरीर पर काफ़ी चोटों के निशान थे, धारदार हथियारों के निशान थे। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है और उसका जो मुख्य अभियुक्त है हुसैन पुत्र फारूक, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना का जो कारण है वो ताश खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों का झगड़ा हुआ और मृतक को बाद में ये लगा कि ये पुलिस में मेरी शिकायत करके और मेरे को जेल न पहुंचा दे, अक्यूज को सर, तो उसने पहले ईंट से मार के इसको बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से इसको शरीर पे वार करके इसकी हत्या की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जो घोषणाएं कर रहे हैं वो केवल कोरी घोषणाएं हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक 100 दिन पहले जो घोषणाएं की जा रही हैं वो केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही हैं, ना कि विकास के उद्देश्य से। मोहनिया ने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी 70 विधायकों के साथ यहां जाएगी और उनके किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगेगी। अगर उन्होंने विकास की जानकारी नहीं दी तो फिर पार्टी जनता के बीच जाकर जनता को अवगत कराएगी कि उनके विधायकों ने विकास के नाम पर क्या किया है। प्रदेश के सभी कार्यकर्ता 5555 के फॉर्मूले पे काम करें और 5 काम केंद्र सरकार के, 5 काम राज्य सरकार के और 5 काम जो है विधायक के, वो जाके जनता को बताएं। हमारा ये मानना है कि इस बात का स्वागत होना चाहिए कि कम से कम मुख्यमंत्री जी बताने को तैयार हुए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि अभी तक पिछले 5 सालों में केवल घोषणाएं हुई हैं, काम तो कुछ हुआ नहीं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब 31 अक्टूबर को सारे की सारे विधायकों के घर कार्यालय जाएंगे और उनसे 5 साल का हिसाब मांगेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है, वो 5 काम हमें गिना दीजिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली ने काशीपुर सहित उद्धम सिंह नगर दौरे के दौरान प्रदेश की धामी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी, क्योंकि सूबे की जनता केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से आज बुरी तरह त्रस्त हो चली है। देहरादून से काशीपुर पहुंचे कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली का स्थानीय कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान PWD गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली ने कहा कि देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के साथ गैस और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। बढ़ती महंगाई के चलते देश में जहां अपराध और कत्लेआम तेजी से सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार प्रदेश और देश की जनता को लूटने में लगी हुई है। देखिए, मैं उधम सिंह नगर में आता रहता हूँ और मैं आज का जो मेरा आने का मकसद है, आज मैं एक संदेश लेकर आया हूँ। मैं अपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वो 14 नवंबर 2021 को देहरादून आ रहे हैं और परिवर्तन जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं उस सिलसिले में जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर और उधम सिंह नगर के मैं हर क्षेत्र में जाऊंगा। उसमें हमारे जो पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी और मेन के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब शिरकत करेंगे उसमें। देहरादून में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, वहीं कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी कि उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहकारी सेवा में
शिथिलीकरण नियमवाली 2010 को दोबारा लागू करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। सोहन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत मानकों के अनुसार संकाय सदस्यों के अतिरिक्त 197 पदों का सृजन कर बढ़ोतरी की जाएगी। तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कैबिनेट बैठक कल होनी थी जिसके बाद कई फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। भंडारण का बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो व्यवहारिता की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्रों में जो 250 मीटर की दूरी की गई थी और बरसाती नदी और नदियों को अलग अलग डिफाइन नहीं किया गया था उसको अलग अलग ढंग से डिफाइन करते हुए बरसाती नदियों में 25 मीटर दूरी और जो हमारे पेरिनियल रिवर्स हैं उनमें 50 मीटर दूरी इसको कम करके करने का निर्णय लिया है। और जो शासन में भंडारण की अनुमति देने का प्राविधान था उसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया। इसी तरह जो नदियों में काफी बोर्डर आरबीएम जमा हो जाता है अगले बोर्डर की बस्तियों में खतरा हो जाता है उस खतरे को देखते हुए रिवर ट्रेनिंग और रिवर ड्रेनेज जो हमारी पॉलिसी थी। थराली में पिछले सप्ताह डबल रेड अलर्ट के दौरान पानी की पाइपलाइन ठीक करने गए नारायण बगड़ ब्लॉक में डुंगरी गांव में पहाड़ टूटने से मलबे में दबे दो युवकों का शव आखिरकार आज जेसीबी मशीन की मदद से बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों राज्य में भारी बारिश हुई थी, इसी कड़ी में चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ के ग्राम पंचायत डुंगरी गाँव में 19 अक्टूबर को गाँव में पानी की सप्लाई बाधित होने के चलते गाँव के दो युवक बारिश के दरमियान पानी की लाइन ठीक करने निकल पड़े थे कि अचानक उनके ऊपर पहाड़ दरक कर टूट पड़ा था और तब से दोनों युवकों की खोजबीन चल रही थी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ पुलिस और एसएसबी राजस्व विभाग और डॉग स्क्वाड आदि के अभियान चलाए जाने के बाद ही दोनों युवकों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था जिसके बाद लेकिन अब जेसीबी की मदद से दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है। उन्नीस तारीख को दो स्थानीय ग्राम पंचायत डुंगरी के दो व्यक्ति यहाँ पे पानी का नल जोड़ने गए थे और ऊपर से स्लाइड हुआ, दोनों दब चुके थे जिनमें ब्रंद सिंह नेगी महावीर सिंह नेगी दो व्यक्ति इस स्लाइड के नीचे दबे। यहाँ पर एनडीआरएफ एसएसबी और एसडीआरएफ की टीम 19 तारीख से कार्य कर रही है। माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पे पहुँचे। मैं पूरी शासन और प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, हमारे विधायक जी विकासकर नारायण बगड़ के ब्लॉक प्रमुख सारे स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि थे इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। अमेठी के कोतवाली क्षेत्र के थोरा गांव में खेत की जुताई को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और जमकर लाठी डंडे भी चले। वहीं मारपीट में एक पक्ष से महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया जहाँ डॉक्टरों ने 4 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। तो अमेठी का पूरा मामला है जहाँ पर खेत की जुताई को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप अभी भी बरकरार है। देश में अभी भी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,348 नए मामले सामने आए। वहीं कल 805 लोगों की कोरोना से जान चली गई जिसके बाद अब तक मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,57,191 हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,61,334 हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 3,42,46,157 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से अब तक 3,36,27,632 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कल
कोरोना की 74 लाख से ज़्यादा डोज दी गई, जिसके बाद अब देश में अब तक 104 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 12 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक कुल 60 करोड़ से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। हरिद्वार के जगन्नाथ आश्रम में स्वामी हंसदेव आचार्य महाराज के शिष्य महंत लोकेश दास महाराज ने मुंबई में चर्चित आर्यन खान के मामले में एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को समर्थन देते हुए कहा कि एनसीबी का उद्देश्य भारत देश से ड्रग्स को समाप्त करना है। समीर वानखेड़े को धन्यवाद है कि उन्होंने अपना काम सच्चे दिल से करते हुए दुनिया के सामने हकीकत बताई और हकीकत दिखाई, और साधु समाज समीर वानखेड़े के साथ हमेशा खड़ा है, चाहे कितनी भी धमकियाँ क्यों ना सामने उनको मिलती रहें। देखिए एनसीबी अपना काम कर रही है। एनसीबी का देखो हर एक चीज़ का ना एक उद्देश्य होता है। एनसीबी का उद्देश्य है इस भारत से ड्रग्स को समाप्त करना। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी का व्यक्ति हो। कई लोग पूछ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा बवाल बनाया जा रहा है कि देखिए हज़ारों लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन जहाँ से मीडिया को टीआरपी मिलेगी उसी पर फोकस करती है। तो ऐसा नहीं है कि आर्यन खान पहला एक व्यक्ति है तो आपने उसको एक स्टार किड्स है तो उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। और समीर वानखेड़े जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे देश में ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।